मध्य प्रदेश के मंदसौर से है, जहां भानुपुरा पुलिस ने कुछ दिन पूर्व हुए हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें 29 मई को ईशाक नाम के व्यक्ति की हत्या की गई थी, उसके बाद उसके शव को कुएं में फेंक दिया था। उसमें संलिप्त आरोपी आकाश को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में 29 तारीख को ईशाक की हत्या कर उसके शव को कुएं में फेंक दिया था, उसका भानपुरा पुलिस द्वारा खुलासा कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार कुछ समय पूर्व ईशाक ने लाखों रुपए में जमीन बेची थी। रुपए ऐंठने की नीयत से आरोपी ने ईशाक का अपहरण किया और जिंदा बनाई। आरोपी आकाश घर के बाहर घूम रहे ईशाक को कार धोने के बहाने बाइक पर बिठाकर ले गया। आकाश नायक ने कैलाश के साथ मिलकर ईशाक के पिता से फिरौती मांगने की योजना बनाई थी। तीनों ने मिलकर ईशाक को संतरे के बगीचे में ले जाकर गिरा दिया। तीनों से ईशाक नहीं संभला तो बंसी और राजू को फोन लगाया। उसके बाद लखन ने दराती से वार किया और आकाश ने साफी से गला घोटकर मार दिया। कैलाश, राजू, बंसी ने मृतक के मोबाइल, चप्पल, रस्सी, दराती झाड़ियों में छिपाकर लाश को कुएं में फेंक दिया। रात को करीबन 12 बजे के टाइम पर दशोदा मंदिर निवासी पंचवाल के द्वारा रिपोर्ट मिली कि उनका बेटा ईशाक जो है घर पर था। तभी एक व्यक्ति आके उसके कार को धोना है, धुलवाने के बहाने उसको घर से ले गया, लेकिन अभी तक तो उसका पुत्र लौट के नहीं आया। तत्काल इसमें गुमसंग कायम करके पुलिस के द्वारा चारों नाकाबंदी कर दी गई थी और उसके मोबाइल फ़ोन की भी जो है जानकारी प्राप्त की गई। उसका फ़ोन जो है स्विच ऑफ नहीं आ रहा था, तो जानकारी उसके बारे में प्राप्त नहीं हुई। 31 मई को यशोदा गांव में ही भैरूलाल प्रजापति के द्वारा रिपोर्ट किया गया कि उसके खेत में बने कुएं में एक व्यक्ति जो है उसका यानी शव जिसके हाथ पर बंधे हुए हैं पड़ा हुआ है। तत्काल चौकी प्रभारी लखन सिंह राजपूत और बाकी जो लोग गए वहाँ पर, इकबाल और उनके परिवार जल्दी यानी आगे थे, उन्होंने कुएं में जिस सबको देखा उसको देख के उन्होंने कहा कि ये उनका पुत्र ईशाक का शव है। उसको निकलवा कर और उसको FSL टीम भी एमएस पहुँच चुकी थी, उनके द्वारा उसका यानी निरीक्षण किया गया तो ये पाया कि उसके हाथ पर पीछे बंधे हुए हैं और गले को जो है यानी कि उसमें स्टील मार्क्स भी थे। तो इसको देख के लगता है कि उसको हत्या की गई है। तत्काल जो है उसमें 302 दोस्तों का किसी का पकड़ पड़ी उसको बेचाम दिया गया। तो इसमें पूरा जो पकड़ समझ में आया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान साक्ष्य मैंने प्राप्त किए वो ये आए कि जो व्यक्ति इनके घर पर आया था उस व्यक्ति के बारे में हम लोगों ने जो मतलब कछोटा भाई अध्यक्ष था उससे पूछताछ में उसने जो खुलिया बताया था उस खुलिए के आधार पर मेरे द्वारा एक पोर्ट्रेट तैयार किया गया और उस आधार पर ये व्यक्ति कौन हो सकता है यशोदा और गाँव के लोगों से पूछताछ की गई तो एक आकाश नायक नाम व्यक्ति का नाम सामने आया। उससे पूछताछ करते हुए और उससे जानकारी प्राप्त की तो उसके द्वारा घटना के बारे में बताया और कुल मिला के 5 लोगों के द्वारा ईशाक के साथ उसकी फरौती की मांग को लेकर हत्या कर दी। तो इसमें जो बात सामने आई है कि जब ईशाक गाड़ी के बहाने किलो ले गए थे तो वहाँ पर आरोपी कैलाश और आरोपी लखन माली जो है मौजूद थे, वहाँ इन लोगों द्वारा उसको पकड़ लिया गया, कब्जे कर लिया गया और चूंकि ये भी थोड़ा सा ताकतवर था भागने का प्रयास किया तो उन लोगों ने उसके स्तर में बात किया और काफ़ी प्रयास करने के बाद जब ये सफल नहीं हुआ मृतक तो उन्होंने उसको जो है गला घोट के मार दिया और हाथ पर बांध कर भैरूलाल प्रजापति के खेत में बिठा दिया। मास्टर माइंड जिनका चला है वो लखन माली और कैलाश का है और लखन का भी एक सर्विस सेंटर है, सर्विस सेंटर उसका भी जो है गाड़ी को जो सर्विसिंग का उसमें है। तो उसने देखा गया जब उसका सर्विस सेंटर जो कि ईशा का भी है लेकिन ईशा का सर्विस सेंटर काफ़ी काम कर रहा था, इसका काम नहीं कर रहा था ये भी और ऐसे ही। हाँ, इस दौरान इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई थी कि ईशाक ने कुछ माह पूर्व एक जमीन बेची थी जिसमें लाखों रुपये के साथ बैन हुए थे, इस बात की जानकारी आरोपियों को थी। तो आरोपियों ने उस रुपयों को प्राप्त करने के लिए एक षड्यंत्र तैयार किया। उस षड्यंत्र में मुख्य रूप से आकाश, कैलाश और लखन नाम थे और इसलिए उन्होंने एक अन्य व्यक्ति जो लाला
का नाम था मामा था उनका, उसकी मोटरसाइकिल आकाश को देखकर उसको घर पर भेजा, उसको बुलवाया।